हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जाना कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास सामने कंप्यूटर है। और सबसे पहले तो जब चालू करना होता है तो हमें यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास ये पावर जो कनेक्शन है ये हमारा कनेक्ट होना चाहिए और यहाँ से ये पावर ऑन होना चाहिए आपका। और उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो यूपीएस है, यूपीएस का पावर बटन ऑन करना है। जैसे आपने यूपीएस का पावर बटन ऑन किया तो आपके कंप्यूटर में एक साउंड आ गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ से डिस्प्ले का ऑन कर देंगे और उसके बाद हमारा ये मॉनिटर ऑन हो गया। यहाँ से आपको अपना कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करना है। ऑन करने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि इसे ऑन ऑफ करना बताइए, तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना एक छोटे से वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है और देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर स्लोली स्लोली ये अभी स्टार्टिंग हो रहा है ऑन होना। और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर लगभग ऑन हो चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपली अपना पासवर्ड डाल लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ। और उसके बाद इंटर करता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया, आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कंप्यूटर ऑन करने के लिए आपका पावर बटन ऑन होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास यूपीएस है तो यूपीएस ऑन करना होगा। और उसके बाद ये आपका सीपीयू, जो सीपीयू इसका यहाँ से पावर बन ऑन कर सकते हैं। नीचे जो रीसेट है, यहाँ पावर ऑन है, यहाँ पर आपका पावर बटन है इसका डिस्प्ले का, दूसरा यहाँ पर आपका जो पावर मैंने दिखाया, और एक यहाँ जो ये चीज़ें आपको सही करनी है। और सब चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि सारे केबल आपको कनेक्ट होने चाहिए कंप्यूटर में, तभी जाके ये आपका कंप्यूटर ओपन होगा। और ईजी है, बहुत ही आसान है, हर कोई समझ सकता है कि कैसे इसे ऑन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।